बाइडेन कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं, लेकिन इस बीच बाइडेन को लेकर एक और खबर वायरल है। प्रेसिडेंट बाइडेन के एक बयान की इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और लोग ये जानने को बेसब्र हुए जा रहे हैं कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने जो कहा है वो सच है या झूठ। ऐसा क्या कहा बाइडेन ने, देखिए ये रिपोर्ट। वर्ल्ड पावर का सेंटर व्हाइट हाउस। इस पावर सेंटर की बागडोर संभालने वाली शख्सियत जो बाइडेन। सुपर पावर कंट्री अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन सिर्फ एक देश नहीं बल्कि ग्लोबल लीडर है। उनके ना सिर्फ आदेशों का बल्कि हर बयान का असर दुनिया पर पड़ता है, फिर चाहे वो राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा बयान हो या फिर निजी जिंदगी से जुड़ा। ठीक ऐसी ही स्थिति इस वक्त भी है, क्योंकि बाइडेन के एक निजी बयान ने दुनिया में हलचल मचा दी है। इस बयान से दुनिया में कयासों का नया दौर भी शुरू हो गया है। बाइडेन ने अपने भाषण में खुलासा किया है कि उन्हें कैंसर है और इस बयान के बाद पूरी दुनिया ये जानने की कोशिश कर रही है कि कई बार अपने भाषणों में गलतियां कर चुके बाइडेन का बयान सच है या गलत। दरअसल बाइडेन ने जहां ये बयान दिया है वहां वो तेल रिफाइनरीज से होने वाले नुकसान बता रहे थे, जिसमें उन्होंने अपने गृहनगर का जिक्र किया और बताया कि उनकी माँ उन्हें पैदल ले जाने के बजाय गाड़ी से यात्रा करवाती थी। लेकिन देश में कैंसर की सबसे ज्यादा दर वाले डेलावेयर में रहना उनके लिए भी नुकसानदायक साबित हुआ। लेकिन जैसे ही उनका बयान वायरल हुआ बाइडेन के बारे में जानकारी जुटाने की होड़ शुरू हो गई। नतीजतन व्हाइट हाउस ने जिज्ञासा शांत करने के लिए प्रतिक्रिया दी और बताया कि प्रेसिडेंट स्किन कैंसर के इलाज का जिक्र कर रहे थे, लेकिन प्रेसिडेंट पद संभालने से पहले ही उनका कैंसर ठीक हो चुका है। हालांकि पहली बार नहीं है जब बाइडेन ने अपने बयान से लोगों को चौंकाया, इससे पहले भी वो अक्सर दुनिया को चौंकाते रहे हैं। हाल ही में उनकी टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखे निर्देशों को भाषण का हिस्सा समझकर पढ़ने वाला वीडियो भी जमकर वायरल हुआ था। यही वजह है कि बाइडेन के बयान पर लोगों को शंका हुई और व्हाइट हाउस को इस संबंध में सफाई भी देनी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष।